जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महा मुनिराज के परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। देखें समय बहुत हो गया है, मात्र अभी एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया था कि मुनि श्री के लिए पुंगव शब्द क्यों लगाया जाता है, तो मैं उस पुंगव शब्द की विशेषता बताकर के ही बात समाप्त कर दूंगा। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, विशेष, महान आदि आदि उपकार होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह पुंगव शब्द पूज्य श्री के लिए सार्थक है कि नहीं? मैं आपसे पॉइंट दूंगा, आप उसका समर्थन करें या विरोध करें वो आपके ऊपर है। पूज्य मुनि श्री ने जहां जन्म लिया उस नगर का नाम था ईश्वरवाड़ा, और ई का अर्थ होता है ईश्वर का पास रहने वाला। इनकी दीक्षा हुई ईसरी में, उसमें भी ई है जहां से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि बने सम्मेश शिखर के एरिया से। ऐसा ये ईसरी और ईश्वरवाड़ा, और जन्म से ही जिसका जयकारा लिया जा रहा हो, जिसका नाम ही जय कुमार रखा गया हो, तो जीवन के अंत में जय जयकार तो होगी ही होगी जीवन भर। तो अपन बात करें, पूज्य मुनि श्री ने एक नहीं अनेकों ऐसे ऐसे कार्य किए। सांगानेर के भूगर्भ से 1994 में जो देवों के द्वारा रक्षित मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों को बहुत वर्षों के बाद निकाला। पहले 1933 में पूज्य शांति सागर जी महाराज ने निकाला, फिर उसके बाद देशभूषण जी महाराज ने 1971 में निकाली, फिर उसके बाद एक और कोई आचार्य ने निकाली, मगर मुनि श्री ने मुनि पद पर उन प्रतिमाओं को निकाला। क्योंकि लोगों की यह धारणा थी केवल आचार्य ही भूगर्भ से प्रतिमा निकाल सकते हैं, और जब पूज्य श्री वहां गए तो कुछ समय लग गया, तो लोगों में अनेक प्रकार की कल्पनाएं विकल्पनाएं पैदा हो गई। तो मैंने कहा कि भाई क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बोले मुनि श्री आचार्य नहीं है। तो हमने कहा किसी के आगे अगर तीन अक्षर लग जाते हैं तो क्या वो आचार्य हो जाता है? केवल नाम के आचार्य होना अलग चीज है और आचार्य होना अलग चीज है। मुनि श्री में कौन सी योग्यता की कमी है? क्या मुनि पुंगव नहीं है? दूसरा कारण, जब से ये जिज्ञासा समाधान अगर भारत में किसी ने किया है, तो जिज्ञासा समाधान के अगर कोई जनक है दुनिया के अंदर, तो पूज्य पुंगव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। क्या पुंगव शब्द सार्थक नहीं है? आज सारा भारत कर्नाटक की तरफ दक्षिण की ओर जाया करता था केवल एक पूज्य बाहुबली भगवान के नाम से, मगर पूज्य श्री ने वह चमत्कार करके दिखाया कि दक्षिण को, महाराष्ट्र को भी उत्तर भारत में बुला लिया। एक आर्ष परंपरा जब उन्होंने सारी दुनिया को बताई कि आर्ष परंपरा क्या होती है, बहुत सारे त्यागी व्यक्ति साधु पुनि श्री की प्रभावना देख करके ईर्ष्याओं की ज्वाला में जलते हैं। मुझे बड़ी वेदना होती है, अगर जलना ही है तो दीपक बन करके जलो, किसी की प्रभावना देख करके जलने का प्रयास मत करो। यश कीर्ति तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, मगर यहां पर गुण कीर्ति है। गुण कीर्ति के कारण इनकी सारी दुनिया में आज ख्याति है। यश कीर्ति नाम कर्म अलग होता है और गुण कीर्ति अलग होती है। पूज्य श्री ने जो सारा देश के अंदर आज एक प्रभावना की है बंधुओं, उसे आज हम देख रहे हैं। शिविर की प्रथम शुरुआत, बहुत सारे साधु शिविर लगाते हैं, बहुत सारे त्यागी व्यक्ति शिविर लगाते हैं, मगर पूज्य श्री के शिविर में केवल पुरुषों को ही जगह दी जाती है। अगर माताओं बहनों को जगह दे दी जाए तो मनोज भाई 10,000 लोगों से ऊपर मुनि श्री के शिविर में लोग बैठेंगे। अब बोलो इन्हें मुनि पुंगव सुधा सागर कहा जाए या नहीं? पूज्य मुनि श्री ने अभी तक 352 मंदिरों के नक्शे पास करके और 150-200 मंदिर के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बोलो इन्हें मुनि पुंगव कहा जाए कि नहीं?
अभी तक दुनिया में जितनी शांति धाराएं होती होंगी, सुधा सागर जी महाराज अकेले ना उतनी शांति धारा एक चातुर्मास में करा देते हैं। बोलो मुनि पुंगो सुधा सागर कहां जाए कि नहीं। और सुने, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनकी प्रभावना और इनके जीवन के संघर्ष, गजब के संघर्ष हैं, जन्म से ही संघर्ष हैं। 7 बार मोती झिरा, टाइफाइड, 7 बार। और साधना की क्या कहें, 1984 मैंने देखा 18 घंटे तक एक साथ खड़गासन खड़े रहे, 1985 में खड़े रहे, 1990 में 36 घंटे खड़गासन श्री मुक्ता गिरजी में खड़े रहे, पैर नीले पीले पड़ गए, मगर उसी समय 6 वर्षों का त्याग। मैंने एक बार इनकी परीक्षा ली 1984 में, पूज्य आचार्य श्री ने इनको प्रवचन के लिए बुलाया, मुझसे कहा, मेरी दीक्षा नहीं हुई थी उस समय, बोले सुधा सागर को बुला के लाओ। और सुधा सागर महाराज को आचार्य श्री ने अभी शेर की उपाधि दी है कि शेर दहाड़ेगा, तो पहले ये शेर के बच्चे थे, बच्चा तो डरता है। और जब इनको प्रवचन के लिए कहा उत्तम शौच धर्म के लिए, तो मैं इनको जब बुलाने गया तो ये दीवार के तरफ मुंह करके बैठे थे, इनकी जो कमर झुकी है ना वो इसीलिए झुके कि दीवार के तरफ मुंह करके ये बैठे रहते थे, किसी से बोलते चालते नहीं थे। और जब मैं इन्हें बुलाने गया, हमने कहा आपको आचार्य से भी बुला रहे, मुझे बुला रहे मुझे, और ऐसे कांपने लगी पीछी, दिख रही ना आपको, ऐसे कांप रही पीछी। और मैंने कहा आपको आचार्य से भी बुला रहे, बोले मुझे बुला रहे, मैंने कहा हाँ क्यों, हमने कहा क्या मालूम, और दहशत में, और दहशत में। और जब आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री ने कहा सुधा सागर जी आज उत्तम शौच धर्म का दिन है, बोले हाँ, बोले प्रवचन करना है, मैं नहीं करूंगा। आचार्य जी कहते क्यों नहीं करोगे, कितनी देर करना है, आचार्य जी ने कहा जितनी देर होता है। तो बोले आप कितनी देर से आएंगे, बोले मैं नहीं आऊंगा, बोले मैं नहीं कर सकता, बोले जाओ। और 1.5 घंटे प्रवचन किया, उसी समय से इनका दहाड़ना शुरू हुआ। और मंगलाचरण जब किया था तो पीछे कैसे कांप रही थी, मंगलाचरण की एक लाइन बताऊंगा 1984 की, मैं कंकर शंकर बना, और फिर उसके बाद 1.5 घंटे तक उत्तम शौच धर्म के ऊपर इन्होंने प्रवचन दिया। सारे जबलपुर के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया कि प्रतिदिन 1/2 घंटा इनका प्रवचन होगा। इनको जैसे ही पता चला, इन्होंने कमेटी को कहा कि ध्यान रखना, अगर ये बात किसी ने आचार्य श्री से कही तो मैं मौन ले लूंगा। एक दूसरी परीक्षा मैंने ली, इन्होंने 1984 से चटाई नहीं ली, कितनी भी भीषण कड़कड़ाते की ठंड पड़े। मैंने सोचा ऐसा कोई होता है क्या, लोग रूम हीटर जला करके रहते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, और बुजुर्ग माताएं तो और 2-2, 3-3 कंबल ओढ़ती हैं, फिर ये क्या है। मैं रात को 10 बजे बैया व्यक्ति के बाद, ये बहुत बड़े हॉल में सोते थे एक कोने के अंदर, तो मैंने देखा कि कहीं छुपा करके चटाई टाई रखे हो, रात को 11-12 बजे ओढ़ लेते होंगे। मैंने पूरा हाल देखा, कोई चटाई नहीं थी, और जो ऐसी पुटरिया से, जैसे कपड़े की पुटरिया होती है, ऐसे बिल्कुल पड़े हुए थे। मैंने देखा, मैंने कहा वाकई में ये साधु हैं, स्वादु नहीं है, साधु है। फिर हमने 3-4 लोगों को बुला करके एक तखत सामने टिकाया तो इनकी आवाज आई, हमने कहा आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। फिर एक तखत लगा दिया, और सुबह मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लास लगेगी, क्या फर्क पड़ेगा, पढ़ लेंगे। बोले किसी की साधना में बाधक नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा मैं साधना में बाधक नहीं, मैं साधक ही बना था। ऐसे बहुत सारे संस्मरण, कहना तो बहुत था। और पूछ श्री
कि प्रभावना से लोगों के अंदर बहुत जलन होती है। जैन धर्म से भी जैनियों को भी जलन होती है। पूज्य श्री ने सांगानेर की स्थापना छात्रावास की क्यों की? क्योंकि जैन धर्म को मानने वालों ने ही मुनियों के चित्र फाड़ दिए। इतनी कसाएं, इतनी ईर्ष्या जागी और उन चित्रों को पैरों से कुचल दिया, तब उनके अंदर एक वेदना जागी कि क्यों ना मैं लोगों को दिखा सकूं कि दिगंबर जैन धर्म क्या है। और सारे जयपुर के अंदर जो कंजाइट थे, मिथ्यात का भंजन करने वाले पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, वहां ऐसे ऐसे साधु संत थे जो लोगों को चिट्ठियां देते थे, इतना पैसा भेज देना नहीं तो तेरे घर में सांप बिच्छू छोड़ दूंगा, तुझे कबूतर बना दूंगा। और जब पूज्य मुनि श्री के पास ये बात आई कि मैं कबूतर बना दूंगा, तो महाराज ने सोचा कि मैंने थोड़ी अपने जीवन में भांग घोटी है, मैंने भी अपने जीवन में कुछ साधना की है। अगर कोई इंसान को, कोई व्यक्ति कबूतर बना सकता है, तो क्या मैं कबूतर को इंसान नहीं बना सकता? तब महाराज ने डंके की चोट में घोषणा की, 20,000 की पब्लिक के बीच में अगर कोई साधु किसी भक्त को, किसी इंसान को कबूतर बना दे, तो मैं चैलेंज करता हूं कि उसे मैं इंसान बना दूंगा, वो उड़कर के मेरे पास आ जाए। बंधु इनको कम मत समझना, अगर सुधा का उल्टा कर दो, धांसू सागर, धांसू सागर। तो ऐसी अनेक अनेक चीजें जिन्होंने, करुणा के भी बड़े धनी हैं, जब मंच पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत खूंखार होंगे, दहाड़ते हैं। अभी तुमने, मैंने पढ़ा कि जो बब्बर शेर होता है, जब वो दहाड़ता है तो वो 8 किलोमीटर तक उसकी आवाज गूंजती है, मगर सुधा सागर रूपी बब्बर शेर जब दहाड़ता है तो 222 देशों के अंदर उनकी आवाज जाती है। और सारा विश्व आज महाराज श्री की जिज्ञासाओं को सुनकर के आनंद विभोर होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न विदेशों के अंदर, विदेशों से भी आते हैं। तो ये दहाड़ बंधुओं, और जब पूज्य श्री भी विचार कर रहे थे कि सुधा सागर कब आएगा, और जब हम लोग पूज्य श्री के दर्शन करने के लिए कुंडलपुर पहुंचे, तब आचार्य श्री ने कहा अब आ गया है शेर, अब ये दहाड़ेगा। आचार्य श्री जब चांदखेड़ी से पूज्य श्री ने भूगर्भ से प्रतिमा जी निकाली, क्योंकि बहुत सारे साधु संत वहां आए और सभी कहते थे कि भूगर्भ में प्रतिमा है, मगर किसी साधु ने हिम्मत नहीं की, कोशिश तो बहुत की मगर वो नहीं निकाल पाए। और जब अमोलक चंद जी चूना वालों ने महाराज से कहा, वहां के अध्यक्ष थे वो, कि महाराज जी भूगर्भ में प्रतिमा है, आचार्य विमल सागर जी महाराज कहकर के गए हैं, कोई ऐसा साधक आएगा जो भूगर्भ की प्रतिमा निकालेगा। जब महाराज ने वो बात सुनी तो पूछा कि क्या है, बोले महाराज यहां भूगर्भ में प्रतिमा। महाराज को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं विश्वास में बास है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। सारी दुनिया को उन्होंने कहा, स्वप्न में वह किशन सिंह मणिया जिन्होंने वो मंदिर का निर्माण कराया था, वो भूत श्री के स्वप्न में आए, हम गुरु भक्ति के लिए गए, महाराज ने कहा स्वप्न आया है। तो मैंने कहा महाराज जी आज क्या है, बोले सप्तमी, मैंने आज का स्वप्न तो बिल्कुल अति शीघ्र मिलने वाला है इसका फल। और महाराज ने फिर वो प्रतिमाएं निकाली जो स्फटिक मणि की, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है बंधुओं, उसके दर्शन सारे लोगों को कराए। 1994 में भूगर्भ सांगानेर से प्रतिमाओं के दर्शन कराए, उसी समय किसी ने एक कांच की प्रतिमा बना करके एक पंडाल में रख ली और लोगों को बुला रहे हैं कि आओ यहां फ्री में अभिषेक करो, और वहां खोके के खोके देकर के लोग अभिषेक कर रहे हैं, पहचान होती है रत्नों की। तो पूज्य श्री ने कर्नाटक महाराष्ट्र को उत्तर भारत में ला दिया। इनकी करुणा की मैं बात कर रहा था, करुणा इनकी इतनी, जब महाराष्ट्र के अंदर बाढ़ आ गई, त्राही मात्राही मचने लगी, तब पूज्य श्री ने घोषणा कर दी कि कैसे भी हो उनको बचाओ। और सारे राजस्थान के लोगों ने, भारत के लोगों ने वहां के लिए सहयोग दिया, और आरके मार्स वालों ने पूज्य श्री से आशीर्वाद लेकर 108 नए मकान बनाकर के वहां के लोगों को दिए। 108 मकान क्या होते हैं बंधु दोस्तों,
मुनि सभी ने गौशालाओं के बारे में जितना किया, असंभव असंभव असंभव। आचार्य विद्या सागर जी महाराज के बाद अगर कोई भारत में साधु है बंधुओं, तो पूज्य मुनि श्री निर्व्यापक समर पुंगव सुदर्श सागर जी महाराज। किसी भी तरीके से मैंने आज तक नहीं देखा कि महाराज जी कोई प्रवचन के लिए तैयारी करते हो। बहुत सारे साधु डायरियां लेकर के बोलते हैं, और पूज्य श्री को किसी भी वक्त किसी भी मंच पर बैठा दो, किसी भी मंच पर, और एक घंटे डेढ़ घंटे से तो इनकी भूख मिटती नहीं, डेढ़ घंटे के पहले तो ये डकार लेते हैं। बोलने में जब बैठ जाते हैं तो इनको पता ही नहीं चलता कि कितने बज गए। अभी तो बहुत कम बोल रहे हैं, पहले दो दो ढाई ढाई घंटे प्रवचन देते थे, अभी तो डेढ़ घंटे ही देते हैं, क्योंकि तुम पचा नहीं पाते। पहले के लोग पचा लेते थे। तो दोस्तों, एक नहीं अनेक चीजें हैं इनके जीवन की। तो मैं कह रहा था कि किसी की प्रभाव ना, किसी की ख्याति देख करके लोग जल जाते हैं। ऐसा भीम को, भीम की शक्ति देख करके दुर्योधन तिल मिलाता था, तो उसने अपने घर पर एक लोहे का भीम बनाकर उसे मुग्धा मारता था, उसका गला दबाने का प्रयास करता था, मगर क्या वो भीम का माल बांका कर सका? नहीं कर सका। ऐसे बहुत सारे महाराज की प्रभावना देखकर उनकी फोटुएं फाड़ने का प्रयास करते हैं, फोटुओं के पोस्टर गिराने का प्रयास करते हैं, फोटुएं छीनने का प्रयास करते हैं। बंदो, इनके जीवन का क्या होगा वो केवल ही भगवान जानते हैं, मगर इनका कोई माई का लाल आज तक ना बाल बांका कर सका, ना जीवन के अंत में कर सकेगा। ये वो शेर हैं कि इनको चुप करने की ताकत केवल एक में है, केवल एक में है, आचार्य विद्या सागर जी महाराज में। बहुत सारे लोग 1996 में पूज्य श्री की शिकायत लेकर के गए आचार्य विद्या सागर जी महाराज के पास कि महाराज जी सुधा सागर को रोकिए। उन्होंने क्या कहा, क्या हो गया? बोले वो बहुत दहाड़ रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले प्रवचनों में बहुत हिला रहे हैं, हमारा तो जड़ ही समाप्त कर दी हमारे स्मारक की। और ऐसा भी कह दिया कि बम से उड़ा दो उसे। सील चंदनोरा वाले बैठे होंगे, इनके वो मामा जी लगते थे वहां के निर्देशक अधिष्ठाता, इनके पास खबर पहुंची कि सुधा सागर जी महाराज कह रहे हैं कि इस स्मारक को बम से उड़ा दो। तो सीलचंद ने कहा, कहा है क्या? बोले हाँ। बोले अभी स्मारक है कि उड़ गया? बोले नहीं उड़ा है। तो बोले उनने कहा नहीं, अगर जिस दिन वो कह देंगे उस स्मारक स्मारक उड़ जाएगा, क्योंकि इस मंच से जो घोषणा होती है निष्पक्ष होती है, निस्वार्थ होती है। कोई अपना जीवन को बनाने के लिए कोई मठ नहीं बनाया जाता। इनकी साधना, इनकी प्रभावना, इनके जीवन के संघर्ष और संभावना अभी इतनी बाकी है, इतनी बाकी है संभावनाएं कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। कि आगरा वाले सोच रहे थे कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र आगरा में बनेगा, और कौन सोच रहा था कि इतना बड़े इतने कलशों का वह बनेगा? मगर कितनी देर लगी, मुश्किल से दो माला नहीं फिरी, अब उतनी देर में घोषणा हो गई। बंधु, मैं एक बात कह दूं, आप बुरा नहीं मानना, सुधा सागर जी महाराज को केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, इनको केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, बस मुझे बहुत बड़ा दर्द है। तो मैं क्या क्या चाहे तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुधा सागर महाराज को केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, मगर मोक्ष जरूर हो जाना चाहिए। केवल ज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए? अरे पागलो, अगर इन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें उपदेश कौन सुनाएगा? जहां समोसमन लगेगा तुम जा पाओगे क्या? इसलिए अभी चलने दो। और मैंने और विचार किया, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो आचार्य विद्या सागर जी महाराज जब आदि व्याधि उपाधि से परे जब वो समाधि लेंगे 150 साल के बाद, तब वो सौधर्म इंद्र बनेंगे, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। और सुधा सागर जी महाराज जब भी 100-200 साल के बाद यहां से समाधि पूर्वक जाएंगे, तो ये कुबेर बनेंगे, क्योंकि कुबेर का काम है मंदिरों का निर्माण कराना, समोसरणों का निर्माण कराना।
इतने तीर्थ इन्होंने बना दिए कि शायद इनको ही नहीं मालूम होगा कितने तीर्थ बना दिए, इतने तीर्थ बना दिए। जहां देखो जहां देखो, जहां तहां मत पूछो कहां कहां, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, इतने क्षेत्र में जिस नगर में जाते हैं और किसी से कहते कुछ है नहीं, किसी की तरफ देखते हैं नहीं। और कुबेर जब समोसवन तो सौधर्म की आज्ञा से बनाता है और ये कुछ नहीं कहते, समाज जब निवेदन करती है तो उसमें चार चांद जरूर लगा देते हैं। और जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, उजड़े हुए क्षेत्रों को आज इतना विशाल सांगानेर को कौन जानता था बंधुओं? 1994 के पहले सांगानेर को कौन जानता था? और आज सारे विश्व में ऐसा कौन जैन समाज का व्यक्ति है जो सांगानेर को नहीं जानता? क्या था अजमेर के अंदर 650 बीघा जमीन में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, 650 बीघा जमीन, और ये किसी से भी भिड़ जाते हैं। जब नारेली का स्थान मिला, कैसे मिली नारेली ये बता दूं, शिविर का समापन था, भावड़ा जी आए हुए थे, ललित बेदी चतुर्वेदी आदि आए हुए थे, तो उन्होंने जब शिवरात्रियों को देखा और कहा कि महाराज इनका स्थान कहाँ, ये सारे आपके साधु कहाँ रहते हैं? महाराज ने कहा कि हमें कोई मठाधीश हो, ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बोले नहीं महाराज, आपकी जिस पहाड़ी पर जिस स्थान पर उंगली उठेगी वो जगह हमारी सरकार आपको देगी, आप किसी भी तरीके से आप जो भी जगह चाहें हम देंगे। कमेटी ने रजिस्ट्रेशन कराया, 200 बीघा की मांग की, 127 बीघा सरकार ने पास करके दे दी। और वह जब किसी कार्यक्रम में शेखावत स्वयं आए और कहा उन्होंने कि महाराज जी मैं पास तो हो गया, महाराज ने कहा कोई पास नहीं, हमारे तो यहां 100 में से 100 जिसको मिलते हैं वही पास माना जाता है, तुमने तो 127 बीघा जमीन दी है, कोई पास नहीं, फेल हो तुम। वो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा शेखावत जी, फिर बोले जैसा आप कहोगे, 650 बीघा जमीन भारत में किसी क्षेत्र के पास नहीं है बंधुओं जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के पास है। राजस्थान के अंदर सूखा था, कमंडल पकड़ने वाले भी नहीं थे जब इसी आगरा से हम बिहार करके गए थे, और आज उसी राजस्थान में नाम सुनते ही हजारों लोग एक साथ आ जाते हैं, ये प्रभावना नहीं? बोलो, मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया, बोलना तो 1.5-2 घंटे था, क्योंकि महाराज कहते हैं हमारा गंभीर सागर नाश्ता नहीं करता, या तो भरपेट खाता है या उपवास कर लेता है। तो मैं आज सोच रहा था कि उपवास कर लूंगा, मगर महाराज जी ने कहा कर लो आप थोड़ा नाश्ता कर लो, तो मैं फिर आपके नाश्ते को स्वीकार करता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि पूज्य श्री किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो ईर्ष्यालुओं से मेरा कहना है, अगर जलना ही तुम्हें अच्छा लगता है दोस्तों, तो दीपक बन करके जलो, ईर्ष्याओं की ज्वाला में जल करके अपने नाम को बदनाम मत करो, दुर्योधन जैसे जीवन का विनाश मत करो, कसाई उत्पन्न मत करो, और अपने जीवन को पवित्र करो। दुर्योधन की क्या दशा हुई, और अगर हम अपनी दशा वही कराना चाहते हैं तो खूब ज्यादा विरोध करें, जो तुम्हें चाहे वो करें, और जिसके ऊपर साक्षात गुरु का आशीर्वाद हो उसका दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगव सुधा सागर जी महाराज।